धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से जो बीजेपी की नीति और नियत है इस देश में भी, कांग्रेस के नहीं, इस देश में ही, चाहे ममता जी हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हैं, चाहे झारखंड है, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम उन पे था अशोक गहलोत जी, कोई ऐसा विपक्ष के जो भी नेता है, चाहे अपने हमारे आरजेडी के डिप्टी सीएम साहब हैं, तेजस्वी जी, जो भी विपक्ष के जो नेता हैं, ये सबको मारने का काम कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, क्या एक रूल विपक्ष के नाम पे ही है या बीजेपी के इतने स्टेट में जो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, क्या मोदी जी और अमित शाह जी बताएंगे किसी एक के ऊपर कार्रवाई हुई है? बेटियों के मामले में ब्रजभूषण तक इतने बड़े यौन शोषण के मामले हुए, कोई कार्रवाई नहीं। हरियाणा में मैं पूछना चाहता हूँ, संदीप सिंह का मामला हुआ, क्या कार्रवाई हुई? वहाँ पे श्याम तोमर के बेटे के ऊपर ब्लेम लगे, वीडियो वायरल हुई, क्या कार्रवाई हुई? कोई ईडी ने कोई जाके किया कोई कार्रवाई? तो ये तो एक विपक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं। पर मैं यही कहता हूँ, सत्य को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। जनाब, जो लगातार जो लोकसभा की जो इंडिया गठबंधन की बात कहते हैं, लेकिन लगातार जब पंजाब की बात करें या दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं मन मुटाव सा है। कांग्रेस पार्टी लगातार कह चुकी 13 लोकसभा सीटों पर हम खुद अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो क्या लगता है कि हरियाणा में वो सक्सेसफुल होगा? जनाब देखिए, हरियाणा में भी सक्सेसफुल होगा, पंजाब में भी होगा, और ये तो सबने पता है, अरविंद केजरीवाल जी ने पता है, हम हरियाणा में बहुत मजबूत हैं और पंजाब में भी हम बहुत मजबूत हैं। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन के जो हमारे सदस्य, इस विषय में मैं ज़्यादा ना बोलूँ, पर वो इस चीज़ को शॉर्ट आउट करेंगे। कटाक्ष करते हैं, अगर मैं बात करूं पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं अगर अपने बच्चों को कहानी सुनाऊंगा तो एक थी कांग्रेस, या फिर लगातार अगर कांग्रेस की तरफ से भी उन पर पलटवार किया जाता है, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कहते हैं, उन्हें कार्टून तक कहा जाता है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मैसेज गलत जा रहा है? देखिए, ऐसा है, पक्ष और विपक्ष, कि हम एक दूसरे के वहाँ विरोधी हैं वो हमारे बारे में बोलेगा, हम उनके बारे में चलता है, पर इंडिया गठबंधन की जब बात आएगी तो सारे नेता बैठ के, जो शीर्ष नेतृत्व, इस पर पूरा निर्णय वो लेंगे। और जहाँ तक बच्चे पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे कि कांग्रेस, ये तो गर्व की बातें हैं, ये कांग्रेस है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, और आज 75 साल जो गरीब को, मजदूर को, किसान को, और इंडिया को जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, आज उस देश में हवाई जहाज, मिसाइल तक बनती है, तो कांग्रेस के देश में। तो ये बातें तो लोगों के भ्रम पैदा करने की बात है, ना कांग्रेस ख़त्म हो सकती, ना ये लोग ख़त्म हो सकते, देश है, ये इंडिया है, इंडिया में और इस देश में सब मजबूत है, मजबूती से इनके खिलाफ हम लड़ाई कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ दोबारा से कहीं ना कहीं रैली करने जा रहे हैं, या पूरे राज्यों में घूमेंगे, क्या लगता है कि दोबारा से एक लहर बनेगी लोकसभा विधानसभा में, हरियाणा को काफ़ी फायदा मिलेगा? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी एक बड़े संघर्षशील नेता है, और जो लोग कहते थे कि राहुल गांधी कोठियों का नेता है, ये आज राहुल जी ने साबित किया, गर्मी भी, सर्दी भी, बारिश भी, तूफान भी, बर्फ भी, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जिन्होंने संघर्ष किया, और आज वो एक मास लीडर है। राहुल गांधी जी का एक विज़न है, ये नहीं है कि इनके इतने अनपढ़ों की तरह, वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, और उनका विज़न है देश के प्रति कि हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ाएं, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, किसान को कैसे आगे बढ़ाएं, हमारे गरीब बीपीएल परिवार हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। इन आप आज एक चीज़ देखिए, ये कहते हैं कि हमने गरीबों को उभारने का काम किया। मैं आज पूछना चाहता हूँ, एक भी स्कीम जो पीछे बीपीएल परिवारों के साथ जुला हुई है, सारी स्कीमें निकाल दी, चाहे राशन कार्ड की थी, चाहे वो नौकरी की थी, चाहे मकान की स्कीम थी, चाहे सुसु गज की प्लाट की स्कीम थी, गरीब को तो ये मारने का काम कर रहे हैं। ये SC BC की बात करते मैं पूछना चाहता हूँ, ये की पूरी मुझे बताएं, इन्होंने देश में SC BC के लिए क्या किया? तीन राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं मोदी टक्कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो हरियाणा में भी मोदी की गारंटी का कितना इफेक्ट होगा, किस तरह से मानते हैं? मोदी की कोई गारंटी नहीं थी, हमारा राजस्थान का तो ट्रेंड आपने पता है, और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश में मैं बिल्कुल खुले मन से बात करता हूँ, मध्य प्रदेश के लोगों से जाके पूछो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मध्य प्रदेश में तो इन्होंने पूरा ट्रेंड को, पूरी 110 से 15 सीटों को तो पूर्ण रूप से बदला है। छत्तीसगढ़ में मैं अपनी हार को मानता हूँ,
छत्तीसगढ़ में अपनी हार को मानता हूँ। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी अच्छी लड़ाई लड़ी और राजस्थान में भी अच्छी लड़ाई लड़ी। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ढील की और उस ढील का परिणाम हमें हार के रूप में हमने चुकाना। किस तरह देखते हैं विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर कांग्रेस पार्टी ढील करेगी और सरकार बनाने जाएगी? देखिए मैं आज आपको बता दूँ, ये तो नारा देते थे, आज हरियाणा की जनता बीजेपी के कुशासन से गरीब मजदूर किसान बीपीएल परिवार कोई ऐसा वर्ग युवा कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज दुखी ना हो। और लोग चाहते हैं कि कितना जल्दी इलेक्शन हो और हम इनको फाट फेंकने का काम करें। और आने वाले समय में देखना आप कि पार्लियामेंट के चुनाव होंगे या साथ कराएंगे, हम तैयार हैं। पर पार्लियामेंट के चुनाव में भी ये पता लग जाएगा कि आज देश के अंदर किसका माहौल है। और हरियाणा में भी कहीं ना कहीं हम एज लेके जाएंगे। बादली की बात करें तो बादली के जो विकास कार्य लगातार कह रहे थे, भाजपा के जो शीर्ष नेता थे और ओड़ा बने आ रहे थे, लेकिन अब जो आप लगातार विधानसभा में विधानसभा की आवाज़ उठाकर इन कामों को करा रहे हैं, तो अभी कितनी दिक्कतें हैं इन कामों को लेकर? देखिए पूरे बादली हल्के में विकास के नाम पर तो इन्होंने जितनी अपने प्रयत्न में कर रहा हूँ जो हो रहे हैं वो ठीक है, पर मैं कहता हूँ बादली बादली की बात नहीं है, पूरे हरियाणा में इनके MLAs भी रोते हैं। मुख्यमंत्री ने स्वयं की घोषणा की थी 5 करोड़ रुपये हर साल में दिया करूँगा, और फिर वही मुख्यमंत्री उसी मुँह से ये कहता कि भाई नहीं, मैंने तो 5 करोड़ रुपये एक MLA को देने की बात की थी। 5 करोड़ के हिसाब से हमारे 25 करोड़ रुपये पड़ते, अभी तक हमारे को 5 करोड़ की ग्रांट दी है। तो अपनी जबान से खुद फिरे। और आज सड़कों की हालत देख लो, गाँव में पानी की हालत देख लो, गाँव के गाड़ी रस्तों की देख लो, तो कहीं ना कहीं विकास के नाम पर विनाश करने का इन्होंने काम किया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आज भी है और पहले भी पंचायतों में विकास की बात करते थे। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री ईमानदार है तो कराए ना ओम प्रकाश धनखड़ जी की इंक्वायरी, कराए ना दुष्यंत चौटाला की इंक्वायरी, कराए ना माइनिंग के जो मूलचंद शर्मा जो कंवरपाल गुर्जर जो बैठे हैं उनकी कराए कार्रवाई इंक्वायरी कराए। ये जो 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 बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जो धान घोटाला रजिस्ट्री घोटाला शराब घोटाला कितने बड़े घोटाले हैं, जाँच करें। मुख्यमंत्री ईमानदार है, अगर ये कहते हैं कि हम जीरो डबल करते और ईमानदार हैं तो कराए जाँच। मैं तो कहता हूँ धन्यवाद।